श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुंदरकांड का पाठ करने से क्या क्या लाभ होते हैं वो बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। हिंदू धर्म में सुंदरकांड पाठ का विशेष महत्व होता है। सुंदरकांड पाठ में भगवान हनुमान के बारे में विस्तार से बताया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति नियमित अंतराल में घर पर सुंदरकांड का पाठ करता है उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सुंदरकांड का पाठ का इतना महत्व क्यों है और इसको करने की क्या है पूजा विधि। सुंदरकांड का महत्व। भगवान हनुमान जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये बल, बुद्धि और कृपा प्रदान करने वाले माने जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। जो भी जातक अर्थात भक्त प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता है उसकी एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम का परिणाम हमेशा सकारात्मक ही मिलता है, इसलिए हर घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने को बताया गया है। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती हैं। सुंदरकांड पाठ करने का सही तरीका। अगर आप विशेष फल की प्राप्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन से करें। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले पूजा स्थल पर रखी हनुमान जी की मूर्ति की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। साथ ही सीताराम की मूर्तियां भी हनुमान जी के पास रखें। हनुमान जी की पूजा फल, फूल, मिठाई और सिंदूर से करें। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले गणेश वंदना जरूर करें। सुंदरकांड करते समय तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भी पूजा करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को सुंदरकांड पाठ का महत्व व इसकी पूजा विधि समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रभु की महिमा पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।